सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पा सके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सैमसंग के किन किन डिवाइसेस को फाइनली एंड्रॉइड 11 और वन यूआई 3.0 का अपडेट मिल गया है। दोस्तों कंप्लीट लिस्ट बताऊंगा दोस्तों कि किन किन डिवाइसेस को मिल चुका है अपडेट, साथ ही किन किन डिवाइसेस को बहुत जल्द अपडेट मिलने वाला है, तो सब कुछ मैं डिटेल में आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को जरूर से पूरा देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। लाइक टारगेट हम लोग रखते हैं 50 लाइक, 50 लाइक आप लोग कंप्लीट कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं टेक दोस्त पीयूष। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो सैमसंग ने S20 सीरीज में एंड्रॉयड 11 और वन यूआई 3.0 का अपडेट दिया था दोस्तों। पहले बीटा अपडेट दिया, उसके बाद अब फाइनली स्टेबल अपडेट भी मिल चुका है सैमसंग S20 सीरीज में। इसके अलावा सैमसंग ने नोट 20 सीरीज को भी अपडेट दे दिया है। पहले सैमसंग ने बीटा अपडेट दिया था नोट 20 सीरीज को अक्टूबर में ही, दोनों डिवाइसेस को साथ में मिला था सैमसंग S20 सीरीज और नोट 20 सीरीज में, तो दोनों को साथ में मिला था और दोनों को बीटा अपडेट सबसे पहले सैमसंग ने दिया था। इसके बाद सैमसंग ने स्टेबल अपडेट भी रोल आउट कर दिया है इन डिवाइसेस में। इसके अलावा सैमसंग ने S10 सीरीज और नोट 10 सीरीज में भी बीटा अपडेट रोल आउट किया था, जो कि आई थिंक नवंबर में किया था। तो S10 सीरीज में तो अभी बीटा अपडेट चल रहा है, आई थिंक थर्ड बीटा चल रहा है सैमसंग S10 सीरीज में। और नोट 10 सीरीज की बात करें तो बीटा अपडेट ख़त्म हो चुका है और स्टेबल अपडेट भी मिल चुका है नोट 10 यूजर्स के लिए। सिर्फ अभी नोट 10 लाइट को अभी अपडेट नहीं मिला है। इसके अलावा सैमसंग S10 लाइट को भी स्टेबल एंड्रॉयड 11 और वन यूआई 3.0 का अपडेट मिल चुका है इंडिया में। इसके बाद बात करें और डिवाइसेस की तो सैमसंग Z Fold 2 है, इसको फाइनली कल ही अपडेट मिला है एंड्रॉयड 11 और वन यूआई 3.0 का। इसके अलावा बात करें और डिवाइसेस की तो M31 है, जिसको इंडिया में फाइनली एंड्रॉयड 11 का बीटा अपडेट मिला है, दिसंबर के ही महीने में मिला था दोस्तों। और अब हो सकता है कि इन फ्यूचर और भी डिवाइसेस में बीटा अपडेट आए। उसके बाद सैमसंग A51 को भी मिल चुका है, A51 5G जो वेरिएंट है उसको आउट ऑफ इंडिया साउथ कोरिया में अपडेट मिल चुका है एंड्रॉयड 11 और वन यूआई 3.0 का। और भी काफ़ी सारे डिवाइसेस को भी अपडेट मिलना बाकी है, जो कि सैमसंग बहुत जल्द अपडेट देने वाला है दोस्तों। तो इसके बारे में अगर बात करें तो सैमसंग A51 है, जो कि इंडियन वेरिएंट है, तो इंडिया में A51 का 4G वेरिएंट है दोस्तों, और जो आउट ऑफ इंडिया मिला है वो 5G वेरिएंट है। तो A51 पे भी टेस्टिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत जल्द अपडेट मिलने वाला है इंडिया में A51 को। इसके अलावा A71 पे भी टेस्टिंग चल रही है और बहुत जल्द इस डिवाइस को भी अपडेट मिलने वाला है। इसके अलावा A50 पे भी सैमसंग टेस्टिंग कर रहा है, तो A50 को भी बहुत जल्द मिलने वाला है। A50S हो गया, इसको भी बहुत जल्द मिलने वाला है, सैमसंग टेस्टिंग कर रहा है। एम सीरीज में सैमसंग M21 हो गया, M31S हो गया, M30S हो गया, इन डिवाइसेस में भी अपडेट आने वाला है एंड्रॉयड 11 और वन यूआई 3.0 का बहुत जल्द। इसके अलावा सैमसंग M51 हो गया, तो इन डिवाइसेस में बहुत जल्द अपडेट आने वाला है। हो सकता है पहले इन डिवाइसेस में बीटा अपडेट आए, उसके बाद स्टेबल अपडेट सैमसंग रिलीज करे। दोस्तों काफ़ी सारे डिवाइसेस में सैमसंग ने बीटा अपडेट दिया था, उसके बाद स्टेबल अपडेट दिया, तो हो सकता है इन डिवाइसेस को पहले बीटा अपडेट मिले, जैसे सैमसंग M31 को मिला है दोस्तों। तो देखते हैं सैमसंग फ्यूचर में क्या करता है। और भी अगर कोई न्यूज आती है या फिर अपडेट आता है तो आपको मेरे चैनल पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।